आज से 2 दिन पहले कुंडा में जिस तरीके से राजा भैया जो कि रघुराज प्रताप सिंह नेता थे, सांसद विधायक थे, मंत्री थे अखिलेश की सरकार में, उन पर इल्जाम लगा एक डीएसपी की हत्या का, और इल्जाम लगाया डीएसपी की ही पत्नी ने। उसके बाद राजा कुंडा यानी रघुराज प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा करनी पड़ी अखिलेश यादव को, लेकिन अभी भी मामला थमा नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के नेता विनय कटियार ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश की। एक दिन में चार चार जगह अगर पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं तो पुलिस वाले नहीं पीटे जा रहे, वर्दी का अपमान हो रहा है। और शंका बनी रहती है पुलिस के लोगों को भी कि हम अगर कुछ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो सरकार ये काम को करने नहीं देगी। आज ये परिस्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो गई। विकास काम बाकी काम तो अलग की बात है, लेकिन जिससे प्रदेश के अंदर जो लोग सुरक्षित नहीं है वो कैसे काम चलेगा।